दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े हिमायदार सवाल। प्रत्येक सवाल के लिए मिलेगा सोचने के लिए 5 सेकंड। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस कमाल के वीडियो को अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं अच्छे जानकारी के लिए। सवाल नंबर 1, बैंगन खाने से कौन सा बीमारी होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छे जानकारी के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है बैंगन की सब्ज़ी ज़्यादा खाने से दाद, खाज, खुजली होती है, डांड में दर्द, पीठ में दर्द, एक्जिमा जैसे भयंकर बीमारी होती है। इसलिए ज़्यादा बैंगन का सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए। जब बैंगन की सब्ज़ी खाना है तो गोल वाला बैंगन खाना चाहिए। दोस्तों सवाल नंबर 2, कैंसर की बीमारी क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अच्छे अच्छे जानकारी के लिए। दोस्तों की अच्छी जानकारी आप लोग के पास में मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है ज़्यादा मछली खाने से खून में इन्फेक्शन जिन लोगों का होती है उनको कैंसर पकड़ लेता है। इसीलिए ज़्यादा मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। साल में कम से कम 10-15 बार से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मछली, इससे ज़्यादा खाने से बीमारी होती है। दोस्तों सवाल नंबर 3, नमक ज़्यादा खाने से कौन बीमारी होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अच्छे अच्छे जानकारी के लिए। दोस्तों कि जितनी भी बीमारी है वो हमेशा के लिए मिट जाए। दोस्तों इसका सही आंसर है दाहिने अंग में लकवा रोग होता है, इसीलिए जो है ज़्यादा आयोडीन नमक नहीं खाना चाहिए। जो लोग आयोडीन नमक ज़्यादा खाते हैं उनको तरह तरह की बीमारी होती है। सवाल नंबर 4, टमाटर खाने से कौन बीमारी नहीं होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। दोस्तों इसका सही आंसर है चर्मरोग नहीं होता है, इसीलिए टमाटर की सब्ज़ी खाना चाहिए। और हड्डी मजबूत पाया जाता है, मिलता है उसमें विटामिन की, और आँखें जो है रोशनी बना रहती है और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। सवाल नंबर 5, मेहनत ज़्यादा करने से कौन बीमारी होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अच्छे अच्छे जानकारी के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है सेहत नहीं बनता है। जिन लोगों को ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है घर में उनकी सेहत कभी नहीं बनती है। इसीलिए ज़्यादा मेहनत करते हैं तो खान पान पर भी ज़्यादा अच्छा से अच्छा खाना खाएं, नहीं तो सेहत जो है वो ख़राब हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।